गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं एस के पाठक एक बार पुनः डिग्री चेन के लास्ट रूल को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, अंतिम नियम को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। पिछले वीडियो में आपको बताया गया कि यदि पॉजिटिव सेंटेंस नो सूनर से आरंभ हो तो उसको कंपरेटिव में बदलते समय देन के बाद एनी अदर का प्रयोग करते हैं, तथा सुपरलेटिव में बदलते समय मुख्य शब्द को सबसे पहले लिखकर सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करते हैं। ये पिछली वीडियो में बताया गया था। एक दो सेंटेंस भी मैंने उदाहरण स्वरूप दिए थे, तो वो कॉपी पे लिख लेना है। अब एक रूल ये भी लिख लें, तब इस पर जो है एक्सरसाइज में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि एक सेंटेंस थोड़ा फंस रहा था, चूँकि उस पर आधारित रूल अभी लिखवाए नहीं थे या समझाए नहीं थे, तो हमने सोचा वो भी रूल बता दें, तब इकट्ठा एक्सरसाइज दें ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो देखेंगे पिछले वीडियो में जो रूल बताए गए हैं, जो नियम बताए गए हैं, उसको बाकायदा कॉपी पर लिख लीजिएगा। अब उसके आगे देखेंगे, ये अगला रूल है, रूल नंबर वहाँ पे डाल लीजिएगा, जो भी हो, ध्यान नहीं था मुझे। तो देखेंगे कुछ पॉजिटिव सेंटेंस वेरी फ्यू से आरंभ होते हैं, ठीक है। कुछ पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव डिग्री वाले सेंटेंस वेरी फ्यू से आरंभ होते हैं, तो ऐसे वाक्यों को कंपरेटिव डिग्री में बदलते समय क्या करेंगे, मुख्य शब्द को सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। देखें यहाँ उदाहरण भी मैंने दिया है, वेरी फ्यू किंग्स ऐसे आरंभ होगा, ठीक है, स्टार्ट ऐसे होगा। पिछले वीडियो में बताया थे कि नो अदर पर जो सेंटेंस हो वो उस रूल पर बनेंगे, और यहाँ पर इस तरह के सेंटेंस होंगे कि वेरी फ्यू किंग्स, बहुत कम राजा, या कह दें कुछ राजा वर एज ग्रेट, उतने महान हैं, महान थे एज अशोका, जितना अशोक। कुछ राजा, या कह दें बहुत कम ही राजा, उतने महान थे जितना अशोक। तो अब इसमें लिखा है कि कंपरेटिव डिग्री में बदलते समय मुख्य शब्द को सबसे पहले लिखते हैं, तो पिछला एक्सरसाइज भी मैंने बताया था इसी पर, मुख्य शब्द है अशोक, इसको आप सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले लिखकर वर्ब लिखते हैं, फिर देखें वर्ब लिखा है यहाँ पे, तो वर्ब भी लिख दें। अब यहाँ वर प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार आया, और यहाँ पे आप वाज लिखेंगे, चूँकि सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग करें, ठीक। और फिर लिखा है कंपरेटिव डिग्री के बाद, मतलब इसके तुरंत बाद कंपरेटिव डिग्री लिखना है, तो ग्रेट की कंपरेटिव डिग्री, ग्रेटर के तुरंत बाद देन लिख कर, देन लिखा गया, देन लिख कर क्या लिखते हैं, मोस्ट अदर का प्रयोग करते हैं। पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर नो अदर से शुरू होगा तो सेम बनेगा ऐसे ही, बस देन के बाद एनी अदर उसमें लिखा जाना था, ठीक है। और यहाँ वेरी फ्यू वाला सेंटेंस अगर होगा तो देन के बाद मोस्ट अदर का प्रयोग करोगे, तो मोस्ट अदर लिख करके और फिर किंग्स जो शब्द बचा वो लिख दें। अब इसी की जो है सुपरलेटिव डिग्री देख लें, कि वेरी फ्यू वाले पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को सुपरलेटिव में बदलते समय सुपरलेटिव डिग्री से पहले वन ऑफ द का प्रयोग करते हैं। जो पिछला वीडियो बताए थे, पिछले वीडियो में जो रूल्स बताए थे सुपरलेटिव डिग्री के लिए, ठीक वही रूल यहाँ भी लागू है, लेकिन वहाँ लिखते थे सुपरलेटिव डिग्री के पहले द, और यहाँ वेरी फ्यू के अंतर्गत जब आप बनाओगे तो सुपरलेटिव डिग्री तो आएगी ही आएगी, लेकिन उस द से पहले, सुपरलेटिव डिग्री के पहले जो द लगाते हो उससे पहले वन ऑफ का प्रयोग करना है। क्या वन ऑफ? अब देखें वही सेंटेंस है ऊपर वाला, वेरी फ्यू किंग्स वर एज ग्रेट एज अशोका, तो इसका मुख्य शब्द आपने सबसे पहले लिखा, फिर वाज लिख दिया, वर्ब लिखी, और फिर उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री जो आती है उसके पहले आपने वन ऑफ द का प्रयोग कर दिया, तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग, अशोका महानता महानतम राजाओं में से एक थे। मतलब यही केवल महान नहीं थे, कुछ और महान थे, तो उनमें से ये भी एक थे, ठीक है। तो अब इसी को समझ लें, एक सेंटेंस का वेरी फ्यू का कंपरेटिव जब बनाओगे तो देन के बाद मोस्ट अदर का प्रयोग करोगे, और जब इसी सेंटेंस को सुपरलेटिव में लाओगे तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले वन ऑफ का प्रयोग करोगे, ठीक है। अब इस तरह से आप इन डिग्रीज को चेंज कर सकते हैं, संभव है कहीं सुपरलेटिव डिग्री आ जाए वन ऑफ द करके, तो तुरंत दिमाग दौड़ाएं कि वन ऑफ द कब लगता था,
जब कंपरेटिव में देन के बाद मोस्ट अदर आया हो या पॉजिटिव में वेरी फ्यू आया हो, तब मान लीजिए अगर अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स आया और कहा गया कि पॉजिटिव पर बनाओ, तो पॉजिटिव ध्यान रखो वन ऑफ द का पॉजिटिव वेरी फ्यू से आरंभ होगा, और जिस सुपरलेटिव में वन ऑफ नहीं होगा उसको आप डायरेक्ट हाँ तो ध्यान रखें कि अगर सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द आया है तो इसका जब तुम पॉजिटिव बनाओगे तो शुरुआत में वेरी फ्यू आएगा, और मान लो वन ऑफ द वाले सेंटेंस को सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस को आप कंपरेटिव में बदल रहे हो तो देन के बाद मोस्ट अदर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये आपस में एक्सचेंज करके देख लें कि बाय द वे अगर सुपरलेटिव डिग्री आ गई और निर्देशित किया गया कि कंपरेटिव बनाओ तो इस तरह का बनेगा, और अगर कहा गया पॉजिटिव बनाओ तो इस तरह का बनेगा। अगर कंपरेटिव आ गया, डायरेक्ट कंपरेटिव आया और कहा कि पॉजिटिव बनाओ, तो ध्यान रखो यदि कंपरेटिव डिग्री में मोस्ट अदर का प्रयोग हुआ है तो पॉजिटिव वेरी फ्यू से आरंभ होगा। ठीक है, कंपरेटिव में अगर मोस्ट अदर का प्रयोग हुआ है तो सुपरलेटिव में वन ऑफ द आएगा। ठीक है, तो इस तरह से तीन प्रकार के सेंटेंस आपको तैयार करने हैं। एक तो जो शुरुआत में बताया कि दो समान चीज़ों की आपस में तुलना की जाए, एक ही वस्तु, एक ही प्रकार के वस्तु या एक ही प्रकार के व्यक्तियों की आपस में तुलना की जाए तो उसका पॉजिटिव और कंपरेटिव दो बनेगा, लेकिन सुपरलेटिव में उसको नहीं रख सकते। सुपरलेटिव में रखने के लिए ज़रूरी है कि दो एक समान वस्तुएं ना हों, एक तो वस्तु हो और दूसरा जिससे उसकी तुलना हो उस वर्ग के समस्त वस्तुओं से हो, तब तो सुपरलेटिव बना सकते हो, नहीं तो उसका केवल पॉजिटिव और कंपरेटिव बनेगा। तो ध्यान रखें कि एक सिंपल सेंटेंस शुरुआत में बताएं जिसमें पॉजिटिव से कंपरेटिव बनाएं, कंपरेटिव से पॉजिटिव बनाएं। ठीक, दूसरा मैंने बताया कि यदि नो अदर आएगा तो नो अदर का कंपरेटिव जब बनाओगे, यदि पॉजिटिव में नो अदर लिखा है तो कंपरेटिव बनाते समय देन के बाद एनी अदर का प्रयोग करोगे, और सुपरलेटिव बनाते समय मुख्य शब्द को सबसे पहले लिखकर सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करोगे। तीसरा ये वाला है कि यदि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस वेरी फ्यू से आरंभ हुआ हो तो कंपरेटिव बनाते समय कंपरेटिव डिग्री के बाद देन लिख करके मोस्ट अदर का प्रयोग करते हैं। अब देन के बाद मोस्ट अदर यदि लिखा है वैसे सेंटेंस को आप सुपरलेटिव में बनाओगे तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले वन ऑफ द का प्रयोग करेंगे। अब ये रूल्स आपस में ठीक है देख लें कि सुपरलेटिव डिग्री से कंपरेटिव मैं कैसे बनाऊंगा, या कंपरेटिव आ जाए तो पॉजिटिव कैसे बनाऊंगा, या कंपरेटिव आ जाए तो सुपरलेटिव कैसे बनाऊंगा। ठीक, ये प्रोसेस आप देख लें, एक दो सेंटेंस करके ऐसे बना लें, और फिर इस वीडियो के साथ ही साथ या इस वीडियो के बाद एक्सरसाइज मैं भेज रहा हूँ जो आपको अपनी कॉपी पर क्रम से सीरियल से लिखना है। ठीक है, यदि किसी सेंटेंस में कोई दिक्कत होगी तो आप क्वेश्चन करिएगा, समय मिलने पर आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।